के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिल्वाताल थाना क्षेत्र के उमरपुर में मिली महिला के शव का पुलिस ने किया खुलासा। मृतका का सगा भाई ही निकला हत्यारा। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। राष्ट्रपति के आगमन में मद्देनजर जिले के अधिकारी उतरे सड़क पर, ली व्यवस्थाओं का जायजा। निर्माणाधीन प्राणी उद्यान का प्रदेश के वन एवं पर्यावरण जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया निरीक्षण। का जून 2019 तक पूरा हो जाएगा चिड़ियाघर। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर एसएसपी ने की गोरखनाथ सर्किल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया, किया आतिशबाजी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 62वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 62वें परिनिर्वाण दिवस पर अर्पित किया गया श्रद्धा सुमन। अरविंद कुमार पांडे ने गोरखपुर के एसपी नॉर्थ का किया कार्यभार ग्रहण। का कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही है प्राथमिकता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई खिचड़ी मेले की तैयारियों की बैठक। अधूरे कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सेवा योजना और एचडीएफसी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई रक्तदान शिविर। 21 यूनिट रक्त का स्वयं सेवकों ने किया रक्तदान। 1000 मोमबत्ती जलाकर विश्वविद्यालय के द्वार पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नागरिक सुरक्षा कोर के विभिन्न सेवाओं के समादेष्टा अधिकारियों की छमाही बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 7 सूत्रीय मांग को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने 6 दिसंबर को मनाया कलंक दिवस। गांधी प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने जिला महिला चिकित्सालय में किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। मांगे पूरी न होने पर 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर अपनी तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रमुख मार्गों और भवनों का कराया जा रहा है सुंदरीकरण। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया बाबा साहब का 62वां परिनिर्वाण दिवस। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत चल रहे कनिष्ठ बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्रों ने जीता। और गोरखपुर रेड बनी जीसीए के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग की विजेता। फाइनल में कुशीनगर को 7 विकेट से रौंदा।